9 years before कैसा भारत था? भ्रष्टाचार के नाम से जाने जाने वाला भारत था। कैसा भारत था? फैसले नहीं लेने वाला भारत था। कैसा भारत था? घुटने टेक करके चलने वाला भारत था। 9 years before कैसा भारत था? भ्रष्टाचार के नाम से जाना जाने वाला भारत था। कैसा भारत था? फैसले नहीं लेने वाला भारत था। कैसा भारत था? घुटने टेक कर चलने वाला भारत था। ये शब्द मैंने बोले जरूर है, लेकिन एक टीस के साथ बोलने पड़े। वो बोलना पड़ा जो कोई भी राष्ट्रवादी सोच वाला भारतीय नहीं बोलेगा। और अगर हम नहीं बोलते तो आपको कौन बताता कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लगता है कि भारत का जन्म सिर्फ और सिर्फ 9 साल पहले यानी 2014 में हुआ है। कर्नाटक चुनाव में ये भाषण देने के साथ ही जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर तो हमला किया है, साथ ही उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की पगड़ी को भी उछाल दिया। उनके मुताबिक देश में जो हुआ वो 2014 के बाद हुआ, वरना दुनिया में भारत जितना पिछड़ा तो कोई देश ही नहीं था। भ्रष्टाचार की बात राष्ट्रवादी पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं जिनकी पार्टी से प्रधानमंत्री आते हैं। वो प्रधानमंत्री जो अडानी मुद्दे पर ऐसे चुप्पी साधे बैठे हैं मानो कोई सांप सूंघ गया हो। अडानी ग्रुप जिसमें LIC, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा सीधे जनता का पैसा लगा हुआ है, उस अडानी ग्रुप के शेयर और मार्केट कैपिटल कुछ इस तरह फूटती है जैसे हवा भरा गुब्बारा फूटता है। यहां तक रिपोर्ट आती है कि अडानी ग्रुप में बेनामी कंपनियों का पैसा लगा हुआ है, लेकिन फिर भी देश की डिफेंस टीम उसके पास है। कोई जांच नहीं, कोई बात नहीं। महाराज, मोदी जी क्या पूरी बीजेपी ने अडानी का नाम तक नहीं लिया? राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रवादी अध्यक्ष जेपी नड्डा कहते हैं कि मोदी जी के पहले भारत फैसले नहीं लेने वाला भारत था। तो ये बताइए, पाकिस्तान के दो टुकड़े करने वाला पहला भारतीय प्रधानमंत्री कौन था? मोदी जी तो नहीं थे। बात पुरानी है, हो सकता है नड्डा जी के दिमाग से उतर गई हो, फिसल गई हो। 1971 में पाकिस्तान का सिर कुचलकर उसके दो फाड़ करने वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को जब भारतीय फौज ने घुटने टिकवा दिए तो भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। 1974 में भारत का परमाणु शक्ति संपन्न देश बनने के लिए इंदिरा गांधी ने पोखरण में देश का पहला परमाणु परीक्षण करके पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि हम किसी से कम नहीं, जिसके बाद भारत की साख और धार पूरी दुनिया में बढ़ गई। साउथ ईस्ट एशिया में भारत की छवि को नई शक्ति के रूप में पहचान मिली। वो देश जिसकी ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत फिर कोई नहीं कर सकता था। देश को परमाणु शक्ति से संपन्न बनाने और पाकिस्तान के दो टुकड़े करने जैसे साहसिक फैसलों के साथ ही इंदिरा गांधी ने सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके अर्थव्यवस्था को नई पटरी पर लाकर खड़ा कर दिया था, जहां से देश का भविष्य सुरक्षित और मजबूत हुआ। और ये कदम इंदिरा गांधी ने 1969 में उठाया था। उससे पहले देश के बड़े बैंकों पर बड़े बड़े राजघरानाओं का कब्जा हुआ करता था। और आप बोलते हैं कि जो हुआ 2014 के बाद हुआ, और कांग्रेस और इंदिरा गांधी को छोड़िए, आपने ये बात कहकर अटल बिहारी वाजपेयी जी की पगड़ी को भरे बाजार उछाल दिया है। G20 समिट की बात करते हैं आप। G20 समिट तो आज की बात है,
हम 1977 की बात बताते हैं, जब जनता सरकार के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना पहला भाषण हिंदी में देकर सबको हैरान और प्रभावित कर दिया था। अगर मोदी जी के नाम के अलावा कोई और नाम याद नहीं आता हो तो हम याद दिला देते हैं। संयुक्त राष्ट्र में अटल बिहारी वाजपेयी का हिंदी में दिए भाषण ने दुनिया को यह दिखाया था कि अगर नए भारत को सुनना है तो हमारी भाषा में सुनना होगा। और आप कहते हैं 9 साल पहले यानी 2014 से पहले कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री के तौर पर वाजपेयी जी के जिस काम को सबसे ज्यादा अहम माना जा सकता है वो है सड़कों के माध्यम से भारत को जोड़ने की योजना। उन्होंने चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई यानी 4 महानगरों को जोड़ने के लिए स्वर्णिम सड़क परियोजना शुरू की। इसके साथ ही 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का अभियान वाजपेयी जी के कार्यकाल में ही शुरू किया गया। 1974 के बाद भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में हुआ था जब वो प्रधानमंत्री थे। वाजपेयी जी ने परीक्षण ये दिखाने के लिए किया था कि भारत परमाणु संपन्न देश है। ये तो बस चंद बातें हैं, ऐसी न जाने कितने ही काम हुए होंगे जो अभी गिनाना मुमकिन नहीं और जिन्होंने देश का सिर ऊंचा किया। और आप कहते हैं देश में 2014 से पहले कुछ हुआ ही नहीं। चुनावी भावनाओं में इतना भी मत बहिए कि कांग्रेस को कोसते कोसते खुद पर ही उंगली उठने लगे। अब आपका क्या है कहना? क्या देश में 2014 से पहले कुछ नहीं हुआ? क्या जेपी नड्डा ने अपने चुनावी भाषण में जो कहा वो सही है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।